सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। सनी देव को न्यायाधीश माना जाता है क्योंकि जो लोग गलत कर्म करते हैं उन पर सनी देव कुपित हो जाते हैं और शनिवार का दिन सनी देव को समर्पित है। शनिवार के दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें नहीं करनी चाहिए। आइए हम आपको बतलाते हैं कि कौन से वो काम हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। शनिवार को भूल कर भी लोहे की कोई भी वस्तु हो खरीदारी ना करें और ना ही लोहे से बनी चीज घर पर लेकर आएं। इस दिन उल्टा होता है क्योंकि इस दिन अगर आप लोहे का दान करते हैं तो आपका शनिदेव शनि मजबूत होता है, लेकिन ये आप बिना किसी ज्योतिष के परामर्श के लोहे का दान मत कीजिएगा क्योंकि सबको हर चीज सूट नहीं करता दान करना। और शनिवार को जैसे कहते हैं अगर आप गरीबों को अन्न का दान करते हैं उन्हें भोजन करवाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप अपनी लाइफ में किसी भी अपने से छोटे को या आपके अंदर जो काम करते हैं उनको या आपके घर में जो मेड वगैरह हैं तो उनको उनका अपमान मत कीजिएगा, ये अच्छी बातें नहीं होती। वैसे भी कहते हैं अगर दुआ लगती है तो बद्दुआ और भी जल्दी लगती है, इसलिए किसी की बद्दुआ मत लीजिए। इस दिन तेल का दान करना चाहिए, सरसों का तेल। सरसों का तेल कैसे दान करेंगे? शुक्रवार की रात अपने बेडरूम में स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर रखते हैं अपने सिराहने और सुबह उसमें अपना चेहरा देखें यानी शनिवार की सुबह और ले जाकर किसी शनि देव की मंदिर में दान कर दें कटोरी के साथ ही, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें या किसी गरीब को दे दें, सबसे अच्छा रहेगा। साथ ही आप अगर आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो शनिवार की शाम में सरसों तेल का एक मुखी दिया जलाना मत भूलिएगा। दोस्तों कहते हैं शनिवार के दिन जूते चप्पल किसी से उपहार में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस दिन आप किसी को दान करें तो अच्छा है, पर गिफ्ट कभी भी भूल कर भी मत लीजिएगा। वैसे भी अपने हो या पराए जूते चप्पल का गिफ्ट लेने से रिश्ते कमजोर होते हैं यानी रिश्तों में गांठें आ जाती है। और दोस्तों आपके आसपास अगर शनिदेव का मंदिर है तो जब भी आप जाइए उनकी आंखों को मत देखिए और कोशिश कीजिए जहां उनकी शिला रखी है उनकी ही पूजा करें। अगर मूर्ति है तो शनिदेव की आंखें जैसे ऊपर देख रही हो दाएं बाएं देख रही हो पर आपके ऊपर उनकी दृष्टि ना हो, ऐसी मूर्ति का दर्शन कीजिए और घर में अपने शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर कभी मत स्थापना कीजिएगा, ना ही आपको पूजा करनी चाहिए घर में, बाहर कीजिए। हाँ घर में आप शनि चालीसा का पाठ रोज शाम में कर सकते हैं। और शनिवार के दिन दाढ़ी और बाल नहीं कटवानी चाहिए, ना ही सरसों का तेल खरीदना चाहिए। सरसों का तेल आप रविवार को लाएं शुक्रवार को लाएं पर शनिवार के दिन भूल कर भी मत खरीदिए और ना ही लकड़ी खरीदिएगा। इस दिन नॉनवेज का भी सेवन भूल कर भी मत कीजिए। कहते हैं शनिवार को दूध भी नहीं पीना चाहिए। वैसे छोटे बच्चे को इस सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, आप बड़े हैं तो कुछ चीज़ों का परहेज कीजिए ताकि आपके जीवन में मंगल ही मंगल आए, सुखता आए। अगर आप शनिदेव को तेल अर्पित करते हैं तो ज़्यादा नहीं बर्बाद करके थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप में एक चम्मच अर्पित कर दें और बाकी गरीबों में दान कर दें, इससे शनिदेव ज्यादा खुश होंगे प्रसन्न होंगे। अगर आपके आसपास कहीं पीपल या शमी के पेड़ हैं तो उनकी पूजा करना शनिवार के दिन मत भूलें।